का नाम माया। देखो माया है ना, इन सबको ये मतलब इस सिस्टम को बैठा के रख रही है। और वो देखो पीछे महिला है, वहाँ पे लाइन लगा दी देखो फटाक से, तो वहाँ पे देखो ये लाइन लगती है। दोस्तों ये देखो पानी के लिए जदोजहद और संघर्ष और लड़ाई, एक बूंद जिंदगी की, बच्चा ये पानी कल है, जल है तो कल है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, मैं इस गांव में आया हूँ और यहाँ पर देखिए पानी के लिए ना लाइन लग रही है। देखो ये अच्छा, ये लाइन लग रही है ना। हाँ। अच्छा तो दो दो मटके की लाइन लगेगी, बीच में ये एक मटका है, ये एक ही रहेगा है। तो देखो छोटा सुबह का टाइम है और सुबह से ही जल्दी जल्दी मतलब पानी के लिए पानी का इंतजार कर। और अच्छा अच्छा मैं इनसे थोड़ी बात करूंगा। और आपका कौन सा है मटका, आपका मटका कौन सा है? पड़ा हमारा मटका खाली है। अच्छा ये खाली है, ये अभी लाइन में लगने बाकी है क्या? हाँ। ओ देखो ये लाइन दोस्तों ऐसे लगी हुई है, देखिए पानी पानी के लिए जदोजहद है, जो सुबह 4 बजे से होने लग जाती है ना। मतलब सुबह 4 बजे उठते ही ये लाइन सबसे पहले जो लगेगा उसका सबसे ज्यादा पानी मिलेगा। अच्छा तो ये यहाँ से पानी आ रहा है देखो, और ये तो पशुओं के लिए होगी। अच्छा और ये आपने तो भर रखा है ना, ये उठा लो। नहीं ये दूसरों का। अच्छा ये दूसरों का है। हाँ। और ये देखो अभी भर चुका है मटका, और ऐसे मतलब ये देखो छोटी छोटी जो बच्चियां हैं महिलाएं हैं यहाँ पर, और ये बोल रही सर्दी लग रही। अच्छा आप कितने मटके लेके जाएंगे वहाँ पे घर पे? दो मटके लेके जाएंगे ना। अच्छा जब भरेगा नहीं तो अभी थोड़ा थोड़ा भरेगा। आपने सुबह बांध कितने मटके भर लिए? अभी तो एक ही नहीं, एक भरा ये, एक मटका भरा है ना। तो ये जो मटके है ना दोस्तों ये भी अभी पड़े हैं, इसको भी भरेंगे तो ये सारे के सारे। ये नंबर वेटिंग में लगे हैं क्या आप? हाँ, वेटिंग अच्छा में लग रहे हैं, तो ब्रेजा देखे ब्रेजा। अच्छा तो सुबह कितने बजे उठते हो आप इस पानी के लिए? 4 बजे उठ रहा हूँ। अच्छा जिस दिन अगर पानी नहीं आए उस दिन क्या होता है बाद में? कितना किलोमीटर यहाँ से? 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर लाइन लेने जाते हो बाद में ना, तो यहाँ तक पानी आ जाए तो आपकी मेहनत कम हो जाए, खाली यहाँ पे वेट करना पड़ता है। और अगर पानी ना आए तो वहाँ जाके और आपको पानी लेके आना पड़ता है ना। अच्छा कौन सी जाति है आपकी? भोपा। ये कितने घर हैं यहाँ के भोपाओं के? 20-25 है ना घर। और क्या काम करते हैं आप दिन में? दिन में कोई कपड़ा फिराते, कोई ऊंट चलाते, कोई फोटो खींचते, कोई क्या करते। अच्छा। कोई मांग कर खाओ बापड़ा। अच्छा कई मांगे भी खाते है ना। तो सामने से एक महिला और आ रही है देखो, ये मटका लेके आ रही है। अब इनकी भी लाइन लगेगी यहाँ पे? हाँ, इसकी भी लाइन। अच्छा पूरा सिस्टम है, अगर आगे पीछे कोई चीटिंग कर ले तो? चीटिंग कर ले जूत लग जाए। जूत लग जाए ना। अच्छा तो देखिए भाई यहाँ पर ये इतनी महिलाएं यहाँ पर खड़ी है, तो ये पानी के लिए सुबह सुबह का संघर्ष का जो है माहौल रहता है यहाँ पर। तो भाई दोस्तों कई कई शहरों में पानी जो है भूजल है वो ख़त्म हो चुका है, तो आपको ये सीख मिलती है कि ये देखिए मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि पानी के लिए जद्दोजहद कैसे होती हैं। और पानी के लिए देखो ये लड़कियाँ सुबह 3-4 बजे लाइन में लग जाती है, और ये भी मतलब अच्छा ये एक चीज़ और बताओ, जैसे मतलब ये पानी तो आप पीने के लिए जा रहे हैं ना, अगर है ना नानी के लिए अब ले जाओगे तो नानी के लिए तो पानी की कमी तो रहती होगी यहाँ पे ना। ये बाल्टी है नोने के लिए। अच्छा और ये पानी पीने के लिए। ये पानी पीने के लिए है ना, और ये नहाने की। ये नहाने की है, और नहाने वाले तो इसमें इसमें ले जाओगे या उसमें ही डालोगे? नहीं इससे नहीं नोते, इससे है ना गाय डंडा पीता पानी। अच्छा जाते थे इसे, लेकिन बार गायों में बीमारी आ रही ना इसलिए। अच्छा बीमारी की वजह से है ना। तो ये देखो छोटे छोटे बच्चे, ये मतलब पानी के लिए देखो संघर्ष है दोस्तों। और रेगिस्तान का मैंने सोचा रेगिस्तान में इसी प्रकार से ये संघर्ष रहता है, लेकिन भाई यहाँ तो अलग ही ये सुबह सुबह का माहौल आपको देखने को मिलेगा।
आपका क्या नाम है? उसका नाम माया। माया, देखो माया है ना, इन सबको ये मतलब इस सिस्टम को बैठा के रख रही है। और वो देखो पीछे महिला है, वहाँ पे लाइन लगा दी देखो फटाक से, तो वहाँ पे देखो ये लाइन लग गई यहाँ पे देखो ये, और यहाँ पे ये टोकनो आगे। तो देखो हमारे उस साइड में भी है ना लाइन तो नहीं लगती, लेकिन जैसे लाइन लगती है ना दोस्तों सुबह सुबह जो अन्नपूर्णा होता है सेंटर, तो वहाँ लगती है। या नोटबंदी में जब है ना नोटबंदी आई थी तो बैंकों के आगे लाइन लगती थी, तो वहाँ पे तो ये तो डेली का काम है देखो। तो यार यहाँ पर देखो इस तरह से टुंटी। अच्छा ये जो आपको तो शायद इसमें आप में से पढ़ा लिखा कौन है? कोई नहीं पढ़ा लिखा आप में से। अच्छा वो पढ़ी लिखी है ये गले इस साइड में अगर देखा जाए तो ये मंदिर है, और सामने देखो दोस्तों हर वर्ष पानी जो है पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में इंसान को नहीं मिल रहा है। और भूजल की बात करें तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जो नीचे का जो पानी है जल स्तर जो भूजल है वो ख़त्म हो चुका है, और वो जो शहर है वो पलायन की स्थिति में आ चुके हैं वो। और महाराष्ट्र पुणे के ऐसे भी गांव हैं जिनके वहाँ पर पानी के लोग जो है मर रहे हैं। और अगर दूसरी फॉरेन कंट्री की बात करें तो कुछ ऐसी अफ्रीका की कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, ऐसे गांव हैं वहाँ पर पानी के लिए जद्दोजहद वहाँ भी रहती है। और अगर बात करें अब राजस्थान की तो रेगिस्तान के धोरों में पानी की समस्या खूब है, और ये तो रेगिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर आने की वजह से वहाँ के लोग जो है वो उसके आधार पर बैठे हैं। तो ये कह सकते हैं भाई इंदिरा गांधी जो है उन लोगों के लिए वरदान है, और गंगा मैया से कम नहीं है वो। और वहाँ पर भी जो पानी की किल्लत तो रहती रहती है, क्योंकि जब नहर की सफाई का काम होता है तो 2-3 महीने तो पानी के लिए जो हालात हैं वो पानी के लिए हालात ऐसे बन जाते हैं जैसे ये मान लो कि कोई चुनौतियों से भरा हुआ कोई काम हो। इसी प्रकार से एक छोटा सा गांव है और घुसते ही गांव में ये एक माहौल सुबह सुबह का दिखा। इसी प्रकार से मैं वीडियो और डालता रहूँगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छा इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को आप लाइक करें याद से, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन दबा ले में। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।